परम सन्मान्यो गुरु रूप गुरु खालसा साह संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भक्ति कोई किसे दी अपनी मलकियत नहीं है, ना ही कोई चातरी जा चतुराई नाल इसनू पा सकता है। ये तो शुद्ध हिरदे ते शुद्ध भावना नाल मिलती है, पर इस सब कुछ दे हुंदे भी जे परमेश्वर दी किरपा होवे। परमेश्वर किरपा करन वास्ते आप नहीं आउंदा, ओह अपने प्यारियां राही ही सब काम करदा है। सो इस दी मिसाल ही सैन नाई जी हन। नाइयां दा काम हुंदा है घर घर सुनेहे पहुँचाउणे, मरने परने ते होर कम्मां विच इहो लोक काम करदे सन। अज भावें किन्ना जमाना बदल गया है, पर यह गल उस तरह ही चली आ रही है। भगत सैन जी जाति दे नाई सन ते काम ओ भी एहो ही करदे सन। आप एक राजे दे घर नौकर सन, यह रोज़ ही सवेरे जांदे राजे नूं तेल आद मुठ्ठी चापी ते होर सेवा भी करदे सन। यह बुंदेलखंड दे बांधव नगर दे राजे वीर सिंह दे नौकर सन। सेवा इन्नी प्रेम नाल करदे सन कि राजा इन्हां ते बहुत खुश सी ते चंगी तनखाह दिंदा सी। भगत बनदे ही ओ हन जिन्हां दा परमेश्वर दे गुणा नाल प्यार होवे। भगत सैन जी मुढ़ों ही साधां संतां दी संगत करन वाले सन। जिथे भी उन्हां नूं किसे हरी प्रभु प्यारे दा पता लगदा, उस संत नूं घर लिआउंदे ते उस दी सेवा करदे सन। उन्हां दी इस लगन दा फल यह होया कि कोई ना कोई साधु संत उन्हां दे घर आया ही रहना ते सत्संग लगा रहना। परमेश्वर दी यह गति है कि वह अपने प्यारे दी वड्याई कराउण लई उस दे अगे इहो जिहा परचा पा दिंदा है कि लगन नाल जे उस परचे विचों पास हो जाए तां उस दी वड्याई कराउंदा है। पर कई वारी एहो जिहे खेल करन वाले भगवान नूं आप भगत दी थां ते आउणा पैंदा है। जिवें कबीर जी दे नाम दीआं झूठियां चिट्ठियां पा के जद पंडतां ने कबीर जी नूं फसा दित्ता, तां भगवान ने आप कबीर दा रूप धार के वड्डा जग कीता ते उस दी जय जयकार करा दित्ती। भगत नामदेव जी नूं जद पंड्या ने धक्के मार के मंदर विचों बाहर कढ दित्ता, ता भगवान नूं वड्डा आकार बना के लंबियां बाहां नाल जफा पा के मंदर नूं फेरना पिया। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नूं अपने प्यारे सिख भाई जोगा सिंह नूं बचाउण लई सारी रात वेसवा दे बूहे अगे पहरा देना पिया। ते इस तरह दीआं होर अनेकां मिसालां मिल जाणगीआं। इसे तरह ही भगवान नूं सैन नाई दे प्रेम बदले राजे वीर सिंह दी मुठ्ठी चापी करनी पई ते ओह सारी सेवा निभाउणी पई जो सैन जी जाके करदे सन। एक दिन सैन जी दे घर ऐसे संत परौणे आ गए कि जिन्हां दी जुबान विच रज के रस ते गल विच प्रभु भगवान दे चरित्रां ते कौतकां दी चल पई। ऐसा रस बज्जा कि रात भर उसे आनंद विच मगन होए सत संगत विच जुटे ही रहे। सो ऐसे ही अपरंपर प्रभु दे सच्चे रस विच सैन नाई जी इन्ने प्रेम विच मगन होए कि राजे दे घर ना गए, संत संग नूं छड ना सके ते मन विच कहा जो हो देखी जाओ। इस सत्संग नूं छड के जाना नहीं है। पर उधर भगवान ने सरल हिरदे वाले भगत दे थां आप उसका कम करन दी धार ली। राजे तो यह खतरा सी कि वह भगत नूं तंग करेगा जां उसदे हिरदे नूं दुख देवेगा। राजा सी नौकर नूं ताड़फाड़ करनी यह तां उहनां दा सुभावक काम सी। प्रभु चाहुंदा तां वह अपने भगत दी राजे तो राखी कर सकदा सी, पर यह उसकी अपनी मर्जी है। जिस तरीके नाल भी चले अपनी मौज दा मालक है। सो सैन जी तां अपने सत्संग विच लगे रहे। आए संतां ने
कथा का भोग उदों पाया जदों बाहर चिट्टा चन्न चढ़ चुका सी। उधर सेन का रूप धार के भगवान राजे की सेवा करके उन्होंने इन्ना रिझा ते प्रसन्न कर आए सन कि कमाल हो गई सी। भला जिसकी परमेशर आप मुठ्ठी चापी करे जा तेल की मालिश करे उसनों ओहो जिहा आनंद होर कौन दे सकता सी। राजा हैरान हो रहा सी कि सैन ने अज सेवा बड़े प्रेम नाल कीती है पर वह एकदम गायब किथे हो गया है। इन्ने नूं इधरों सैन जी राजे दे घर चले गए कि चलो हाजरी भर आईए देरी दी खिमा मंग लवांगे। असली सैन जी राजे दे घर उदों पुजे जदों भगवान रूप सैन राजे नूं प्रसन्न करके जा चुका सी। राजे ने आउंदे सैन नूं पुछया सेवा करके किधर चला गया सी। भगत सैन जी ने कहा मैं सेवा करके मैं तां आया ही नहीं। राजे ने पुछया तू नहीं आया। फिर सैन जी ने कहा नहीं मैं तां नहीं आया। फिर राजे ने कहा फिर मेरी सेवा कौन कर गया है मैं तां चंगी तरह वेख्या है कि तू ही सी जे तू नहीं सी तां तू कित्थे सी। भगत सैन जी ने कहा मैं तां अपने घर सी। फिर राजे ने पुछया की करदा सी। भगत सैन जी ने जवाब दिता रात घर विच सत प्रौण आ गए सन की कहने उन्हां दी कथनी दे उन्हां दी मिठास ते रस ने बस मैनू किते हिलण ही नहीं दिता। उन्हां दे सत्संग विच बैठिया ही सारी रात बीत गई ते तुहाडी सेवा दा समां ही लंघ गया। ओ मेरे प्रभु परमेश्वर दियां ऐसियां कथावां सुना रहे सन कि उन्हां दे आनंद नूं नहीं छड्डिया ते इहो ख्याल कीता कि तुहाडे गुस्से गिले नूं सहार लवांगा। राजे ने भगत सैन जी दी गल सुन के कहा ओ सैन बस मैं समझ गया ओह तेरा रूप धार के आउण वाला परमेश्वर ही सी। तू उत्थे आनंद लैंदा रहा है ते इत्थे जो आनंद मैनू आया है उसका मैं की बयान करा। ये आख के भगत सैन जी नूं गल वकड़ी विच लै लिया बस सैन अज तो मैं तेरी सेवा करया करांगा परमेश्वर का रूप हो गया है तेरे लिए परमेश्वर तेरा रूप धार के आया है। राजे ने गलवकड़ी छड़ी ते इन्ना प्रेम विच खीवा हो गया कि उसने सैन जी दे चरण फड़ ले। चरण फड़ के राजा हुण चरणा नूं छड़दा नहीं ते सैन जी दी उस्तति करी जांदा है। सो इउं भगत सैन जी दा जस दिन ब दिन वध्या ते फैल गया। सैन जी दे सच्चे प्रेम ने उहनां नूं सच्चे भगत बना दिता। दिनां विच ही आप दे घर अगे भीड़ां लग गईआं जिथे राजा आवे ते भगत जी दा सत्कार करे उथे आम प्रजा क्यों ना करे। दसदे हन कि सैन जी ने इस तों बाद घर बार छड़ दिता ते तीर्थां ते चले गए ते पूरन प्रभु रंग विच रंगे गए। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच महाराज जी ने श्री सैन जी दा एक शब्द आरती दे रूप विच अंकित किया है। धूप दीप कृत साज आरती वारने जाओ कमलापति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को रहाओ उत्तम दियारा निर्मल बाती तू ही निरंजन कमला पाती रामा भगत रामानंद जाना पूर्ण परमानंद बखाना मदन मूरत पैतार गोबिंदे सैन भणे भज परमानंदे। इस तरह भाई गुरदास जी ने अपनी वार विच लिखा है सुन प्रताप कबीर दा दूजा सिख होआ सैन नाई प्रेम भगत राती करै भलकै राज द्वारै जाई आए संत प्रौणे कीर्तन होआ रैण सबाई छड़ ना सकै संत जन राज द्वार ना सेव कमाई सैन रूप हर जाए कै आया राणै नूं रिझाई साध जना नूं विदा कर राज द्वार गया सरमाई राणै दूरों सद कै गलों कवाए खोल पैनाई वस कीता हों तुद अज बोलै राज सुनै लुकाई प्रगट करै भगत वड्याई। भगत सैन जी
भगत कबीर जी का प्रताप सुन के भगती वल प्रेरित होए सन। भगत सैन जी का श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विच एक शब्द दर्ज है जो कि धनासरी राग विच है। पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी ने राग आसा विच अंग 487 उपर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विच भगत सैन जी बारे फुरमान दिता है। सैन नाई बुतकारिया ओहो घर घर सुनिया हिरदा वसया पार ब्रह्म भगता मैं गणिया। सैन नाई पिंड दियां बुतियां करन वाला हर एक ग्रह विच प्रसिद्ध हो गया। श्रोमणी परमात्मा ने उस दे मन अंदर निवास कर लिया ते ओह साधुआं विच गिणिया गया। सो साह संगत जी ए सी भगत सैन जी बारे छोटी जही जानकारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।